बदले की आग में जल रही है नागिन, गांव वालों से ले रही है इंतकाम। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत। नागिन के बदले की बातें आपने अक्सर फिल्मों में सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी असल जीवन में ऐसा सुना है कि नागिन बदला लेने के लिए लोगों को डस रही है? अब इस नागिन का खौफ गांव वालों पर इस कदर छाया हुआ है कि गांव वाले गांव छोड़कर खुले में अपने बच्चों के साथ रात बिताने के लिए मजबूर हैं। नागिन के बदले का खौफ लोगों पर इस कदर छाया हुआ है कि सपेरे बीन बजा रहे हैं, पुलिस वारंट लेकर घूम रही है और अघोरी तांत्रिक मंत्रों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन बदले की आग में जल रही नागिन पकड़ में नहीं आ रही है। नागिन अब तक 5 लोगों को डस चुकी है, जिसमें से 3 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं, 2 का इलाज अभी भी जारी है। हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ के सदरपुर गांव में लोग नागिन के खौफ से सहमे हुए हैं। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में नागिन के इंतकाम से एक जगह पर गांव के बच्चों का इंतजाम किया गया है। खुले स्थान पर सभी बच्चों को सुलाया जा रहा है। गांव में रात भर पुलिस के साथ ग्रामीणों का भी पहरा चल रहा है। नागिन को पकड़ने के लिए वन विभाग के साथ ही मेरठ से आए सपेरे भी लगे हुए हैं। नागिन के खौफ से कई परिवारों के बच्चों ने पलायन किया है। मेरठ से 11,000 रुपए खर्च करके वर्ल्ड चैंपियन सपेरे बुलाए गए हैं, लेकिन कोई विशेष सफलता हाथ लगती नजर नहीं आ रही है। गांव वाले कह रहे हैं कि नाग नागिन का जोड़ा था, जिसमें से नाग अब दिखाई नहीं देता है, इसीलिए नागिन गांव वालों से बदला ले रही है। वन विभाग भी इंतकाम की आग में जल रही नागिन का पता नहीं लगा पाया है। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा वाला खेल इस समय पूरे गांव में जारी है। हापुड़ में थाना बहादुरगढ़ के सदरपुर क्षेत्र में वन विभाग ने एक सांप को पकड़ने के लिए घंटों सर्च ऑपरेशन भी चलाया है, जिसके बाद सांप को पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये वही नागिन है जिसकी बातें अभी तक की जा रही हैं। लेकिन स्थानीय लोगों में आशंका है कि गांव में और भी कई जहरीले सांप हो सकते हैं। गांव में नागिन के भय से दहशत का माहौल है, क्योंकि अब तक नागिन ने 5 लोगों को डस लिया है, जिसमें से 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। देखने वाली बात यह भी है कि लोगों को इस भय से कब तक छुटकारा मिलता है। क्या लोग नागिन के इस भय से वास्तव में छुटकारा पाएंगे या ये खेल आगे भी जारी रहेगा? मारा जाएगा, धमक की तरह गल जाएगा, तेरा मेरा वादा है, वादे के दिन होगा और तुझे जंगल में दीपावली के रोज छोड़ दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आप अपना चैनल अखंड भारत। जय हिंद, जय भारत।